दोस्तों इसमें बात करेंगे यहाँ पे सार्थक मैदान टी ट्वेंटी लीग का आज का दिन का एक और बेहतरीन टी ट्वेंटी मैच के बारे में जो खेला जाएगा सेवन डिस्ट्रिक्ट वर्सेस नदीम क्रिकेट क्लब के बीच में, मतलब एनडीसी वर्सेस एसवीडी के बीच में खेला जाएगा। दोनों टीम ने ऑलरेडी सार्थक मैदान टी ट्वेंटी वाला सीरीज में दो दो मुकाबले खेले थे, जहाँ पे एसवीडी की टीम ने दोनों को दोनों जीते थे, एनडीसी की टीम ने दो में से एक जीती थी एक हारी थी। ठीक है, वैसे भी दोनों टीम ने दो दो मुकाबले ऑलरेडी खेले, तो दोनों मैच का स्कोर कार्ड अगर आपने अभी रिसेंट में सार्थक मैदान टी टेन का सीरीज देखा था तो आपको पता होगा। और इस वाले वीडियो में आपको हर प्लेयर का स्टैट्स बताएंगे, वैसे समय बहुत ही कम है ना, तो थोड़ा हम शॉर्टली समझ रहे हैं। पहले आप वीडियो को लाइक करेंगे इतना मेहनत के लिए, चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आज के दिन का हमने जितने मैचेज कवर किए हैं ना भाई, क्या ही मैसेज आ रहे, मतलब बहुत तगड़ा मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, काफ़ी कुछ मिस कर रहा हूँ। टेलीग्राम पर हमारे जो भी स्मॉल की टीम्स होती है मैं आपको टेलीग्राम पे दे देता हूँ, प्लस जो भी न्यू प्लस लास्ट टाइम में खेलते हैं दोस्तों, तो उनके स्टेटस मैं आपको टेलीग्राम पे देता हूँ। तो टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम पे जुड़ेंगे, फिर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे @FXpart 17,300 इसी के समथिंग सब्सक्राइबर आपको दिखने वाले, और आपने यहीं पर क्लिक करके जुड़ना भी है। बात करेंगे मैच टाइमिंग की, मैंने बोला कि 10 बजे मुकाबले स्टार्ट होंगे, तो ज़्यादा समय बचा नहीं है, बेनू एक ही रहेगा शारजा क्रिकेट स्टेडियम शारजा में। पहले बात करेंगे एसवीडी टीम की, तो इनकी टीम ने दोनों के दोनों जीते हैं, इनकी टीम बढ़िया टीम से, इनके जो ओपनर रहेगा वो रहेगा मोहम्मद इरफान, इनके साथ आएंगे जुनैद खान अफरीदी। बात करेंगे मोहम्मद इरफान की, बल्लेबाज बहुत तगड़ा है, क्योंकि बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग करा रहे हैं, कैप्टनसी के सेफ ऑप्शन रहेगा। पहले वाला गेम में 37 रन एक विकेट, लास्ट वाला गेम में इन्होंने 52 रन करे थे, लेकिन लास्ट वाला गेम में भी 4 ओवर की बॉलिंग करवाई थी। मैं तो स्मॉली की टीम में यहाँ पर बैटिंग सेंस मोहम्मद इरफान को कैप्टन करूंगा, भले बैटिंग में, लेकिन दोस्तों ये बॉलिंग डाल रहे हैं। जुनैद खान अफरीदी दोनों गेम में ओपनिंग करवाई है, मैं स्मॉली की टीम में भी प्रेफर इनको कर रहा हूं, लेकिन क्या है ना कि जुनैद खान अफरीदी इस वाला गेम में नहीं खेल रहेगा, मतलब नहीं खेलेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, उनके बाद अगर रईस अहमद 0-8 करे, रिसेंट में इन्होंने बढ़िया करे थे, ठीक है, जो रमदान टी टेन का सीरीज चल रहे थे वहाँ पे इन्होंने 3 मैच में 92 रन करे थे। मोहम्मद मोहसिन ने 30-4 रन करे, स्मॉली की टीम में हम छोड़ेंगे। हैदर को भी आप छोड़ सकते हो, क्योंकि रिसेंट का फॉर्म भी कुछ खास नहीं है, लास्ट दो गेम में 5-0 पे आउट हुआ है। मोहम्मद सगीर खान ने पहले वाले गेम में 2 रन 4 ओवर, लास्ट वाले गेम में 23 रन 1 विकेट 4 ओवर। मोहम्मद सगीर खान टीम के मेन प्रॉपर ऑलराउंडर है, मैं तो पिक करूंगा। अताउ रहीम को टीम ओपनिंग भी करा सकती है, ठीक है, क्योंकि जुनैद खान अफरीदी नहीं खेल रहा ना, तो मेरे को लगता है कि अताउ रहीम भी ओपनिंग करा सकता है। रिसेंट में इन्होंने 22-37 के संदर्भ पारे खेली है, भाई अताउ रहीम मेरे को लगता है कि ओपनिंग करेगा। फरहान खान ने दोनों गेम में 4-4 ओवर डाले, लास्ट वाले गेम में विकेट निकाले थे 2। फरमान अली विकेट कीपर बल्लेबाज है, मैं छोड़ूंगा। उनके अलावा हैदर अली लास्ट के दो गेम में 6 विकेट निकाले, विकुम ने भाई 2 विकेट निकाले। देखो सेफ अप के लिए रहेगा मोहम्मद इरफान पहला पिक, दूसरा पिक स्मॉली की टीम में करेंगे सगीर खान को, और तीसरा पिक करेंगे यहाँ पर अताउ रहीम को, चौथा रखेंगे फरमान खान को, पांचवा हैदर अली को रखेंगे। विकुम को लेना है तो ले सकते हो, उनके अलावा आपके लिए जेल का एक डिफरेंट ऑप्शन रहेगा रईस अहमद जितना बड़ा प्लेयर है ना, वो सब परफॉर्मेंस इन्होंने बिल्कुल भी नहीं करवाई है। बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग के ओवर, हैदर अली, बिकुम बंद्रा, डेथ मैच है मोहम्मद सगीर खान, मोहम्मद इरफान, बेंच वाले जो भी प्लस बैठे सबके स्टैट्स अवेलेबल है, मतलब कोई कहीं पर भी खेलेंगे तो उनके टेलीग्राम पे स्टैट्स बता दूंगा, प्लीज़ आप टेलीग्राम पे जुड़ेंगे। एनडीसी की टीम ने भाई पहले वाला गेम जीता था, लास्ट वाला गेम हारी थी, लेकिन इनकी टीम काफ़ी बेहतर टीम है। इनके जो ओपनर रहेगा वो रहेगा वकास अहमद, इनके साथ आएंगे मोहम्मद अल्ताफ। लास्ट वाला गेम में इनका काफ़ी कुछ बैटिंग ऑर्डर में भी चेंज हुआ था। वकास अहमद लास्ट वाला गेम में 8 पे आउट हुआ था, लेकिन रिसेंट का फॉर्म बहुत सही है, क्योंकि जो रमदान टी टेन का सीरीज हुआ था वहाँ पर 3 मैचों में 82 रन करते हैं, मतलब वकास अहमद बल्लेबाज है दोस्तों, आप स्मॉली की टीम में ले सकते हो, खेलेंगे तो। ठीक है, मोहम्मद अल्ताफ ने विकेट कीपरिंग करवा दे रहे, मोहम्मद अल्ताफ ने भाई कुछ खास नहीं करवाई है, हालांकि विकेट कीपरिंग कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग सेक्शन में अवेलेबल है। अब्दुल रहमान लास्ट वाला गेम में 24 पे आउट हुआ था, लेकिन पहला वाला गेम में टीम ने इनको नीचे खिलाया था। रिसेंट में सार्थक मैदान टी टेन वाला सीरीज में 5 मैच में 85 रन है। जाहिद अमीर बढ़िया करे, 22-33 रन करे, रिसेंट का फॉर्म सही नहीं है। नासिर नदीम ने पहले वाला गेम में 3 विकेट निकाले थे, लेकिन लास्ट वाला गेम में केवल टीम ने इनको 1 ओवर दिया था। ध्यान रहे सार्थक मैदान टी टेन वाला सीरीज में 3 मैच में केवल 4 ओवर डाले थे। रेहान शाह टीम के मेन प्रॉपर बॉलर है, पहले वाला गेम में 34 रन 1 विकेट, लास्ट वाला गेम में 26 रन। मोहम्मद इमरान कुछ खास नहीं करवाई थी, फारिस फजल अच्छा खासा बॉलर है, दोनों गेम में विकेट लेस गए, लेकिन लास्ट वाला गेम में ना टीम ने इनको डेथ में यूज़ करी थी। हारून अरीफ ने पहले वाला गेम में 20 रन 1 विकेट, लास्ट वाला गेम विकेट लेस गए थे। मोहम्मद वासिफ ने पहले वाला गेम में 1 विकेट, लास्ट वाला गेम में विकेट लेस, लेकिन देखो कि आप दोनों गेम में इन्होंने 1-1 ओवर 1 ओवर और यहाँ पे 2 ओवर करे है। गफूर भी कुछ खास नहीं है। देखो मैं वकास अहमद को पिक करूँगा, पहला पिक रहेगा, ठीक है, जाहिद अमीर दूसरा, नासिर नदीम तीसरा, रेहान शाह चौथा रहेगा, पांचवा फारिस फजल को पिक कर रहा हूँ, उनके अलावा हारून अरीफ आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगा। बेंच वाले इनके प्लेयर से इरशाद हुसैन हो गया, असगर खान टीम के मेन प्रॉपर ओपनर, अगर जुनैद खान अफरीदी नहीं खेलेगा तो असगर खान को टीम ओपनिंग कराएगी। बात कर लेते हैं डेमो टीम की, मैं स्मॉली की टीम में अब्दुल रहमान को पिक करूंगा, क्योंकि फरमान अली कुछ खास नहीं है। बैटिंग सेक्शन में स्मॉली की टीम में पिक कर रहे हैं मोहम्मद इरफान को, उनके अलावा रेहान शाह को पिक करेंगे। रेहान शाह भले बैटिंग में अवेलेबल है, लेकिन कंप्लीटली ओपनिंग करा दे रहे हैं, ठीक है। उनके बाद यहाँ पे शहबाज अली भी इनकी टीम के मेन ओपनर है, शहजाद अली, ठीक है।
तो भाई लास्ट टाइम में वो देखने वाली चीज़ रहेगी। ऑलराउंडर में रईस अहमद को पिक करेंगे, जाहिद अमीर को पिक करेंगे स्मॉली की टीम में। उनके अलावा मोहम्मद नदीम बढ़िया है, सिमरनजीत सिंह कांग बढ़िया है। बॉलिंग सिस्टम आएंगे फारिस फजल, हाजर अली को पिक करते हैं। मोहम्मद इरशाद को लेना है तो लो, ले ही लो, या फिर इनके जगह पर हारून रईफ़ ले सकते हो। देखो दोस्तों काफ़ी कुछ चेंजेस हुआ है, मैं इनका स्टेटस अभी देख ही रहा हूँ, जैसे स्टेटस मेरे को मिलता है उनका स्टेटस मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूंगा, प्लस आपको लास्ट टाइम में डिस्कशन करके बताऊंगा। जल्दी से आप टेलीग्राम पे जुड़ो, मेरी फाइनल टीम ना और कुछ अलग रहेगी, ठीक है? तो टेलीग्राम पे जुड़ना, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर न्यू आप सब्सक्राइब करना। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।